इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। आज अगर मकामी खबरों का जायजा लिया जाए तो आज का दिन बेलगाम वालों के लिए काफी अहम दिन रहा। खासकर बेलगाम लोकसभा के मद्देनजर देखा जाए तो यह मुकाबला किसी क्रिकेट मैच के नतीजे की तरह दिखाई दे रहा था। कभी मैच इस तरफ तो कभी उस तरफ 10,000 वोटों की बढ़त पहले मंगल आंगड़ी ने ली थी, पर बाद में सतीश जारकिहोली की जानिब से बढ़त हासिल की गई। आखिर में तो मैच जीतने के लिए 6 बॉल 6 रन की तरह नजर आने लगा था। दरमियान में तो महज 500 वोटों का फर्क दिखाई दे रहा था, पर आखिर में भाजपा की मंगल आंगड़ी ने सुरेश आंगड़ी की जीत को बरकरार रखते हुए चौथी मरतबा कांग्रेस उम्मीदवार सतीश जारकिहोली महज 3,000 से भी कम वोटों से हरा कर जीत दर्ज की। आखिर यह जीत भी तारीख की जीत कही जा सकती। वैसे तो कांग्रेस उम्मीदवार सतीश जारकिहोली की जीत के लिए कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने बेलगाम में पड़ाव डाला था, पर भाजपा लीडरों ने जैसा सोचा था वैसे ही शोहर के इंतकाल की हमदर्दी हासिल होने में मंगलांगड़ी कामयाबी। पिछले मुस्तकिल चुनाव में यह जीत भी अपने आप में बहुत कुछ बयान करती है। इस जीत को किस पस मंजर में देखा जाए अभी एक मौजू हो सकता है, क्योंकि पूरे मुल्क में भाजपा के खिलाफ एक माहौल बना हुआ है। महंगाई, कोरोना महामारी, लॉकडाउन से लोग नाराज है, हिंदू मुस्लिम एजेंडे से भी आवाम उग चुकी है, पर भाजपा की यह जीत क्या महज आंगड़ी की एक अलग तस्वीर को उजागर करती है या फिर आज भी हिंदुत्व बेलगाम लोकसभा के लिए मायने रखता। खैर, पर आज की भाजपा की जीत और कांग्रेस की हार आने वाले दिनों के लिए क्या पैगाम है, इस पर भी सोचना जरूरी है। कांग्रेस की जानिब से जो मंसूबाबंदी की गई थी, सतीश जारकिहोली की हार ने उसे गोया नाकाम ही कर दिया, क्योंकि यह जीत बहुत कुछ कांग्रेस के लिए सबक आमोज ही है। इस वक्त कांग्रेस के तमाम लीडरों के लिए लम्हे फिक्र है। इतनी कोशिश और सतीश जारकिहोली जैसा काबिल लीडर होने के बावजूद भी नाकामी क्यों हाथ लगी। कर्नाटक में मस्की में कांग्रेस की जीत हुई तो बसव कल्याण में भाजपा की जीत हो चुकी है, मतलब 3 जगहों में से 2 पर जीत हासिल करने में भाजपा कामयाब हुई है। अगर बेलगाम में भाजपा या मोदी हुमायतों के लिए अच्छी खबर है तो बंगाल चुनाव के लिए भाजपा वालों को मातम करने का मकाम है, क्योंकि दीदी वो दीदी कहकर तंज करने वाले मोदी पर ममता बनर्जी ने करारा जवाब दिया है। भाजपा 100 के भी आंकड़े को छू नहीं सकी और यह बहुत बड़ी नाकामी कह सकते हैं। असल में अगर देखा जाए तो यह ममता बनर्जी की जीत काफी मायने रखती है। जिस तरह पूरे मुल्क में हिटलर शाही का ख्वाब मोदी हुकूमत की तरफ से देखा जा रहा था, उसे कहीं तो ममता की जीत ने मोदी के मंसूबों को मलियामेट कर दिया। और लोकशाही लोकतंत्र के लिए ममता की जीत भी जरूरी थी, क्योंकि ममता के सिवा कोई भी मजबूत विपक्ष नहीं था। जो टीएमसी की जबरदस्त कामयाबी से हासिल हुआ विपक्ष लोकतंत्र का आईना होता है। सत्ताधारी से सवाल पूछकर इनकी गलतियों का एहसास दिलाना विपक्ष का काम होता है, पर जब से मोदी हुकूमत आई है विपक्ष को ही खत्म करने का काम किया गया। अगर ममता बनर्जी को छोड़ दे तो दिगर पार्टी में कोई मजबूत सियासी लीडर नहीं है जो मोदी हुकूमत या सत्ता से सवाल करे। आम आदमी के केजरीवाल हो या कांग्रेस के राहुल गांधी हो या फिर समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव, बसपा की मायावती हो, सभी में ज्यादा ताकतवर ममता बनर्जी ही है। लिहाजा ममता बनर्जी की जीत ने ना सिर्फ मजबूत विपक्ष दिया बल्कि मजबूत लोकतंत्र भी दिया है। काफी हद तक यहाँ भी हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश की गई, यानी कि बंगाल में हिंदू मुस्लिम करने की यहाँ पर भी कोशिश की गई। इसी चुनाव के लिए तो प्रधानमंत्री मोदी ने दाढ़ी बढ़ाकर रविंद्रनाथ टैगोर का गेटअप इख्तियार किया था, पर खेला होबे ने मोदी का खेल ही बिगाड़ दिया। अवाम में मोदी का दीदी वो दीदी जैसा तंज बिल्कुल निचले स्तर का माना गया। मुसलमानों ने वो इस फैक्टर को वोट देने की बजाय ममता बनर्जी को ही वोट दिया। मुस्लिम वोटर्स ने पूरी तरह से ममता बनर्जी को वोट दिया। यह बहुत ही अहम बात इस चुनाव की रही। पिछले बिहार चुनाव से भी भाजपा के चाणक्य समझे जाने वाले गृह मंत्री अमित शाह तो एक अरसे से अपना पड़ाव बंगाल में डाले हुए थे, पर नफरत की राजनीति को बंगाल की अवाम ने करारा तमाचा मारते हुए बंगाल से भी बाहर निकाल दिया। यह जीत तारीखी तो है ही, पर भारत के धर्म निरपेक्ष तस्वीर को उजागर करने वाली भी रहेगी। अगर ज्यादती ना हो तो यहाँ से ममता बनर्जी को पंत प्रधान तक देखने की कोशिश की जा रही है। भारत में विपक्ष का मजबूत चेहरा बनकर ममता बनर्जी उभरी और इस चुनाव ने मोदी शाह पर खुलकर हमला किया। यहाँ तक के मोदी शाह को 2 गुंडों तक कहा, देश को बेचने वाले और गुंडागर्दी करने वाले प्रधानमंत्री कहा गया। प्रधानमंत्री के हर जुमले का जवाब ममता बनर्जी की तरफ से दिया गया। आज तृणमूल की जीत के बाद ममता बनर्जी ने कहा, यह जीत मुकम्मल मोदी हुकूमत के खिलाफ फतह के तौर पर पेश किया गया। यह भी कहा जा रहा है कि 8 दौर के चुनाव के लिए 33 दिन लगे, जिसमें प्रधानमंत्री, 22 मरकजी वजीर, 6 रियासतों के वजीर आला, CBI, ED, इलेक्शन कमीशन,
10,000 की फोर्स किराए से लाए लाखों कारकुनान महज ममता बनर्जी को हराने के लिए इस्तेमाल किया गया। इसके बावजूद भी बुरी तरह से भाजपा मोदी हुकूमत या कहिए हिंदुत्व को शिकस्त खानी पड़ी। अभी भी नंदीग्राम की जीत या हार पर बहस जारी है। शुभेंदु अधिकारी की जीत पर वैसे वजीर आजम ने मुबारकबाद दी है, पर ममता बनर्जी ने एक बार फिर गिनती की मांग की। हासिल इत्तला के मुताबिक महज 35 वोटों से हारने की बात कही जा रही है, पर इतना जरूर है कि मोदी शाह को इस हार ने सोचने पर मजबूर किया और नफरत के एजेंडे पर नाकाम होने से आने वाले दिनों में क्या रास्ता इख्तियार किया जाता है यह भी देखना पड़ेगा। एक तरफ लोकसभा चुनाव तो बेलगाम शहर में ऑक्सीजन की कमी की वजह से मरीजों को काफी दिक्कत उठानी पड़ रही है। इससे एक बार सेहत महकमा की नाकामी सामने है। पिछले कुछ दिनों से कोरोना के मरीज और कोरोना से मरने वालों की तादाद भी काफी बढ़ चुकी है। तस्वीरें अब यूपी महाराष्ट्र राजस्थान की तरह देखने की नौबत बेलगाम वालों पर आन पड़ी है। बेलगाम शमशान में भी एक साथ कई लाशों को जलाने के मंजर देखे जा रहे हैं। आखिर हुकूमत अपनी जिम्मेदारी कब निभाएगी? मरीजों की जिंदगी की कोई कीमत और अहमियत हुकूमत को है या नहीं? क्या आखिर क्यों संजीदा नहीं है? मरकजी और रियासती हुकूमत ही इसके लिए जिम्मेदार है। मरीजों की कैफियत काफी खराब है और जिसके लिए ये हुकूमत ही जिम्मेदार है। अस्पतालों में बेड नहीं कहा जाता है, सरकारी अस्पताल में बेड खाली होने की महज बातें कही जाती है, पर हकीकत में बेड नहीं कहकर मरीज को दाखिला नहीं दिया जाता। लिहाजा बेलगाम शहर के निजी अस्पतालों में भी बेड नहीं कहकर मरीज को दाखिला देने से इनकार किया जाता है। कई मशहूर अस्पताल जो बेलगाम में है पहले ही डिपॉजिट भरने की मांग करते देखे जा रहे। कोरोना मरीजों के मद्देनजर हुकूमत बहुत कुछ ऐलानात करती है, पर हकीकत कुछ और ही रहती है। हुकूमत निजी अस्पतालों में यानी प्राइवेट अस्पतालों में बिला झिझक दाखिले की बात कहती है, पर जमीनी सच्चाई कुछ और है। यह मरीजों को जीते जी मारने की कोशिश की जाती है ऐसा कहा जा रहा है। इसका कोई पुरसाने हाल नहीं है। और अगर बेचारा देहात का जिसका कोई यहाँ पर पहचान वाला भी नहीं है तो इसके लिए तो काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। अगर बाहरी गाँव के मरीजों को दाखिला नहीं दिया जाता है तो आखिर मरीज कहाँ जाएगा? निजी अस्पतालों में 5 लाख कभी 50,000 डिपॉजिट की मांग की जाती है। मान लो अगर 50,000 भी डिपॉजिट भरने के लिए कहा जाए तो कैसे इंतजाम किया जाएगा, जबकि मरीज मौत के मुंह में ढकेला जा रहा है। लॉकडाउन जारी है, कारोबार नहीं है, दुकानों को बंद किया गया, बाजार बंद है। गरीब मजदूर किसान के लिए कौन है मददगार? पिछले लॉकडाउन में लोगों ने राशन जरूरी चीजों की तकसीम किया था, पर इस बार सभी की हालत खराब है। क्या तमाम हालात को हुकूमत जिम्मेदार नहीं है? अस्पतालों में बात बात पर पैसे पूछे जाते हैं। जो मरीज दाखिल है इनको ऑक्सीजन हासिल नहीं है। कल रात से अब तक ऑक्सीजन न होने की बात कही जा रही है। अगर इसी तरह ऑक्सीजन ना मिली तो बड़े पैमाने पर मरीजों की जान को खतरा हो सकता है। आखिर हुकूमत ऑक्सीजन का इंतजाम क्यों नहीं करती? शहर के हालात बिगड़े जा रहे हैं, कई फोन आ रहे हैं। बेलगाम की सामाजिक खिदमत अंजाम देने वाली तंजीमों के पास भी ऑक्सीजन नहीं है। हासिल इत्तला के मुताबिक महाराष्ट्र से ऑक्सीजन बेलगाम आती थी, लिहाजा महाराष्ट्र की ही कोरोना के मद्देनजर काफी नाजुक हालत बन चुकी है, इसलिए बेलगाम तक ऑक्सीजन का पहुंचना मुश्किल बताया जा रहा है। एक और इत्तला यह भी है कि आज शाम तक बेलगाम में ऑक्सीजन पहुंच जाएगी। उम्मीद करते हैं कि ऐसा ही हो, पर अगर वक्त पर ऑक्सीजन ना मिले तो हालात के लिए किसे जिम्मेदार ठहरा जाए? ये भी उतना ही जरूरी है। अगर खुदा ना खौस्ता ऐसा होता है तो बेलगाम शहर भी शमशान में तब्दील होने में वक्त नहीं लगेगा, जिसके लिए हुकूमत को ही जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह।